विकास का नाम है। आज जम्मू काल की बंद है, आज पूरे लोग समर्थन में उतरे हुए हैं और लोगों को काफ़ी देर का बंद का ऐलान किया था कि कब बंद होगा और आज पूरा बाजार आप एक एक गली एक एक मोहल्ला देखिए पूरा टोटली बंद है। ये जो हालात पैदा किए ये गलत हालात पैदा हुए हैं, इनको जल्दी से जल्दी इसके हालात को ठीक करना चाहिए क्योंकि बम्बा वाले के टाइम के ये हालात पैदा ना हो जाए। आज देखिए आप एक एक गली एक एक मोहल्ला एक एक बाजार रोड सब बंद है आज बिल्कुल इस समर्थक के साथ चल रहे लोग। सर जी मैं इसलिए क्या चाहना चाहूँ, ये टोल प्लाजा है, रोड खराब पड़े हैं, टोल प्लाजा की रोड सही हुआ तो टोल प्लाजा आदमी देगा, ये रोड नहीं बना टोल प्लाजा आदमी कैसे देगा। एक जो स्मार्ट मीटर है जो बिल आदमी कहाँ से देगा, इतना बिल आते हैं वो कहाँ से, गरीब बंदा कहाँ से देगा, दरिद्र बंदा कहाँ से देगा। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ इतना बिल नहीं आना चाहिए, ये स्मार्ट मीटर तोड़ना चाहिए लगना चाहिए, जहाँ एक महीने ना लगना महीने के काल होने चाहिए। जो रोड टूटा हुआ है रोड किसके रोड दें, गरीब बंदा एक एक घंटा जाम रहता है, एक घंटा जाम रहता है, जाम किस का होता है, जाम लग जाएगा, बच्चे स्कूल जाते हैं दो दो घंटे जाम रहते हैं, बच्चों को काम नहीं जाना स्कूल जाना, क्योंकि रोड टूट गया, रोड बना तो पैसे देंगे सोल टैक्स देंगे, अगर रोड सही होगा सेल टैक्स देंगे, सही नहीं होगा सेल किस चीज़ देना है। मैं तो पब्लिक के अमान करता हूँ कैसे होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक ही अमान है, क्योंकि रोड बनेगा जम्मू हमारा एक है, जम्मू कश्मीर हमारा एक ही है। देखिए ये बड़े दुख की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही समझना चाहिए था कि जम्मू की डिमांड क्या है, जम्मू के लोग क्या चाहते हैं। अगर वो पहले ही समझ जाते तो आज जम्मू के लोग सड़कों पे नहीं होते, आज जम्मू बंद नहीं होता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं वीक जो रही है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन का वीक पॉइंट जो रहा है उसकी बदौलत आज जम्मू कश्मीर के लोग जो है वह सड़कों पे है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सिविल सोसाइटी मेंबर से और सब ऑर्गेनाइजेशन से कि एकजुट होइए, जम्मू के हक की लड़ाई है, जम्मू के लोगों की लड़ाई है, या किसी की इंडिविजुअल या कोई पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये जम्मू के हित की लड़ाई है। भाजपा जो टोटल ही फेलियर हो चुकी है हर एक मुद्दे को लेके, उसका जवाब भाजपा को मिल रहा है। आप देखिए भाजपा ने जो प्रॉमिसेस किए थे कि जो हमारे लिए नया जम्मू कश्मीर बनेगा, तरक्की की ओर जाएगा, आज वो टोटली फेलियर है, हर एक प्लेटफॉर्म पे भाजपा फेल है। तो मैं आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि भाजपा को भी सद्बुद्धि मिले और जम्मू कश्मीर आज कहा है भाजपा, जो हर टाइम कहते थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, खाने पीने के दाम बढ़ गए तो प्रदर्शन करते थे, आज उनको जम्मू के हित की बात नहीं दिख रही है, आज उनको जम्मू की डिमांड नहीं दिख रही है, स्मार्ट मीटर्स की बात आ रही है, तो भाजपा के लीडर्स खामोश है। क्यों? क्योंकि भाजपा सत्ता में है। ये जितना भी जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है ये भाजपा की देन है। हमें उम्मीद थी कि भाजपा के लीडर्स हमारी बात करेंगे, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे कहीं भी हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन भाजपा के लीडर्स जो है वो टोटली फेलियर हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है जम्मू के लोगों को यूनाइट होना है, एकजुट होना है, और मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि बाहर आइए और प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू करिए, और हम युवा राजपूत सभा के साथ हैं और साथ रहेंगे।